things go wrong. There's a place where you belong. Come and join the family. All are welcome at TMT. कर दिया मस्त है ईवा, मैं जानता था तुम टैलेंटेड हो और ये रोल तुम्हारे लिए ही है। शुक्रिया शुक्रिया डायरेक्टर नेट। ओ, कोई बात नहीं, लेकिन तुम अब चुन ली गई हो एक लीड रोल के लिए। ये! चलो अब नेक्स्ट कैंडिडेट हीरो के लिए ढूंढ लेते हैं। तो नेक्स्ट कैंडिडेट को भेज दो। दिल मेरा गाए बस यही तराना। बस कर भाई बस कर, बहुत हो गया। सॉरी मेरे दोस्त, लेकिन ये थिएटर तेरे बस का नहीं है। तू जाकर कहीं और मुंह मार और हम किसी और को ढूंढ लेंगे। ज़ैक, यार टेंशन मत लो तुम। अरे यार उस घटिया थिएटर के बारे में भूल जा, तू फुटबॉल में स्टार है। देखो यार, जो भी है ये सब फुटबॉल से तो अच्छा ही है, मॉम की जबरदस्ती से भी। कम ऑन, तुम कमाल खेलते हो। लेकिन मैं जो भी करूँ बस फुटबॉल नहीं खेलना चाहता हूँ। हाँ ये दुख की बात तो है कि तू नहीं कर पाया। ज़ैक, वो तुम सिलेक्ट नहीं हुए तो बुरा लगा। क्यों आई हो यहाँ पर और तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? सुनो, ज्यादा टेंशन मत लो, वो तुम्हारे पास और भी बहुत टैलेंट है, और अगर तुम्हें मदद चाहिए तो प्लीज मुझे बोल देना। ओह, बेवकूफी को ज़ैक पर क्रश है। देखो बकवास मत करो तुम लोग। सच में तुम मुझे फिफ्थ क्लास से पसंद हो। तुम लोग ऐसा सोच कैसे सकते हो, मुझे युवा नहीं पसंद है, मुझे तो केसी पसंद है बस। तुम्हें पता है एडम बीमार है, 2 सप्ताह का क्वारंटाइन मिला है, तो वो मेरे साथ लीड रोल अब नहीं कर सकता। अब क्या? मिस्टर नेट ने कहा है भरोसा रखो। मुझे लगता है तुम ऐसा करो, अपनी पसंद के किसी लड़के को चुन लो। ठीक है, मैं सोच लूंगी। ओ ज़ैक भाई, तूने सुना क्या? ईवा अपना प्ले पार्टनर चुन रही है, जाना उसके पास। अभी भी वो रोल चाहिए। समय है कुछ कर दिखाने का भाई। हो ही नहीं सकता यार, मुझे तो केसी पसंद है। लेकिन याद रखियो कि ये एक शो के लिए है, उसे बिल्कुल असली की तरह पसंद करियो ताकि तू नाटक में शामिल हो सके। वैसे भी उस बेवकूफ ईवा को कौन पसंद करेगा। देखो बकवास मत करो, मेरी केसी का फोन आ रहा है, मुझे बात करनी है उससे। कैसी हो केसी? ज़ैक कहाँ हो? जरा देखो ना ज़ैक, मेरी वीडियो के लिए मुझे क्या मिला है, इसे ले जाने में मदद करो। केसी देखो मैं नहीं आ सकता, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं भी क्लास में हूँ तो मैं बाद में आऊंगा। ओ, तुम्हारे ऑडिशन के बारे में भूल गई। देखो ज़ैक, मेरा नया माइक देखो कैसा है। मेरे ASMR वीडियो के लिए नए साउंड तैयार करूंगी। मुझे घर छोड़ दो। अरे केसी वो तो कैब के पैसे भेजो क्योंकि तुम ढीले हो। ठीक है फिर चलो, मैं आकर तुमसे मिलूंगा। ठीक है, मैं जाकर एक बार ईवा से मिल लूंगा बस ऐसे ही। लेकिन देखो तुम लोग याद रखो, मुझे बस केसी पसंद है, ईवा से बस ऐसे ही मिल रहा हूँ मैं। या भाई ये हुई ना बात। ओए। अच्छा तो ईवा कैसी हो तुम? ज़ैक, हाय। हेलो ईवा। ये तुम्हारा बैग तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया। और तुम्हारे अच्छे बाल हैं। वैसे मैं तुमसे कह रहा था कि क्या हम लोग कहीं पर अकेले में मिल सकते हैं क्या? सच में मुझे लगा कि तुमने वो कभी नोटिस ही नहीं किया। नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम इतनी कूल हो, इतना अच्छा गाती हो, तो मैं तुम्हारे साथ प्ले परफॉर्म करना चाहता था। यकीन नहीं होता कि मिस्टर नेट ने तुम्हें नहीं चुना। हाँ, लेकिन तुम ही तो हो वो जो सिलेक्ट करेगी कि लीड रोल में तुम्हारे साथ कौन काम करेगा। हाँ। तो फिर क्या तुम मुझे एक्टिंग सिखाओगी और हम इसी बहाने रिहर्सल कर पाएंगे और साथ में काफी टाइम स्पेंड कर पाएंगे? लेकिन क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड केसी के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं बिताते हो? केसी, वैसे हाल ही में हमारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हें पता नहीं चला क्या? बुरा हुआ, क्या तुम अपसेट हो? नहीं ऐसा नहीं है, अभी मुझे असल में ये प्ले करना है और मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या तुम मेरी एक्टिंग में हेल्प कर सकती हो? वैसे भी तुमने हेल्प ऑफर की थी, भूल गई? वो
ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी ताकि मिस्टर नेट तुम्हें पसंद करे। सुपर। तो फिर चलो हम एक टाइम सेट करते हैं जब हम रिहर्सल करेंगे, है ना? बिल्कुल, चलो उसे बात करते हैं। कैसी हो जाने मन? जैक, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा? मुझे अभी कुछ ASMR साउंड्स और शॉट्स रिकॉर्ड करने हैं। आओ मेरी मदद करो। मैं तुमसे कहने आया हूँ कि मैं एक प्ले के लिए ऑडिशन कर रहा हूँ और ये रोल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम मेरी रिकॉर्डिंग बर्बाद कर दोगे। अगर मेरा शेड्यूल बर्बाद होता है तो मुझे तुम्हारे नाटक की परवाह नहीं है। तो मैं ये कहने आया था कि जो रिहर्सल होगी वो टाइम टेकिंग होगी, तो हमारा मिलना थोड़ा कम हो जाएगा। क्या ये मेरे लिए काम नहीं करेगा? मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट केक ऑर्डर किया है, तुम्हें इसे कैमरे पर खाना होगा। वेटर, केक। केक एंजॉय कीजिए। केसी, देखो मैं चॉकलेट नहीं खा सकता यार, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। सॉरी, तुम वीडियो के लिए सह सकते हो, है ना? मेरे फॉलोअर्स को अच्छा लगेगा। नहीं यार, मुझे वो सब खा के उल्टी आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे रिहर्सल पे जाना है, ईवा इंतजार कर रही होगी। ईवा, वो बेवकूफ, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? नहीं केसी, ऐसा नहीं है, मैं तो उस ईवा को इसीलिए इम्प्रेस कर रहा हूँ ताकि प्ले में मुझे लीड रोल मिले, और ये सब नकली है बिल्कुल। क्या मतलब है? मैं तो बस उससे नाटक कर रहा हूँ, जैसे ही प्ले खत्म हो जाएगा मैं उससे दोस्ती तोड़ दूंगा। हे भगवान, क्या मुझे इसलिए सहन करना होगा क्योंकि तुम अचानक कोई बेवकूफी भरा थिएटर करना चाहते हो? मैं परेशान हूँ। केसी, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे पैसे दो और बहुत कुछ शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ। ठीक है, फिर ये लो तो पैसे। ओह बढ़िया, अब तुम अपनी ईवा के पास जा सकते हो। बाद में हम हंसेंगे कि वो कैसे तुम्हारे प्यार में पड़ गई। तुम्हें ये दिखता नहीं है क्या कि हम टीन्स की सबसे मजबूत टीम है? अगर ऐसा है तो फिर हम तुम्हारे पिताजी की सल्तनत को अभी के अभी छोड़ देंगे बस। ओके, सीन कट। आज के लिए बस इतना ही। ईवा, क्या तुम साइड में होगी? ईवा, तुम्हें क्या सच में लगता है ये कर लेगा? इसके ऑडियंस के बीच में हालत टाइट हो जाती है। मिस्टर नेट, जैक में 80 टैलेंट है, बस वो थोड़ा शर्मीला है। क्या सच में? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। प्रॉमिस, हमारी रिहर्सल उसे धार देगी और वो बेस्ट देगा। ठीक है, फिर देखते हैं। ईवा, मिस्टर नेट बोल क्या रहे थे तुमसे? वो मिस्टर नेट बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो तो इसलिए कि मैं तुम्हारे सामने रहते कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे बाल इतने अच्छे हैं, तुम सामने हो तो ध्यान मेरा कहीं और जा रहा है इसीलिए। सचमुच मेरे बालों के बारे में पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, बेहतर होगा कि तुम थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस करो, शायद तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी। वैसे भी मेरी वो घटिया फुटबॉल प्रैक्टिस से तो अच्छा ही चल रहा है ना, मुझे वो बकवास झेलनी पड़ती। तुम उससे नफरत कैसे कर सकते हो, तुम शुरुआत से ही मैदान में हो। देखो, मेरी मॉम जबरदस्ती करती है इसलिए करना पड़ता है, वरना फुटबॉल तो मुझे पसंद ही नहीं है। मेरा बस चले तो कभी फुटबॉल खेलूं ही ना मैं। समझ गई, तो फुटबॉल तुम्हारी पसंद नहीं है। तो फिर बेहतर होगा कि तुम सीरियस होकर स्टेज पे काम शुरू करो। नंगो, ऐसे ढिलाई से काम नहीं चलेगा। चलो अभी के अभी 10 क्वार्ट्स लगाओ। मिसेस क्रिस्टी, हमने अभी पुशअप्स किए हैं, क्या हम चैन की सांस नहीं ले सकते? तो तुम्हें चैन की सांस लेनी है। चलो मैं इसे और आसान कर देती हूँ। अब से जब तुम स्क्वाट्स करोगे तो साथ में स्कूल का एंथम भी गाओगे। माफ कीजिएगा। स्क्वाटिंग ठीक है, पर मिसेस क्रिस्टी प्लीज हमें उन गानों से दूर रखिए, वरना हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। देखिए, इस बकवास से तो अच्छा गधे चला लो। ज्यादा बातें मत करो, गहरी सांस लो और स्क्वाट करो। और क्रिस, तुम्हारा एंथम क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? स्कूल हमारा है सबसे प्यारा। गुड डे मिसेस क्रिस्टी, आपके लिए एक नोट है। हाँ बोलो लड़की, क्या बात हो गई है? क्या तुम बॉल को सीधा किक मार के दिखा सकती हो? फुटबॉल मेरी चीज नहीं है, मुझे प्रिंसिपल और डायरेक्टर नेट से ये एक नोट मिला है। अच्छा, देखे जरा। जैक को नाटक की रिहर्सल के लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ से जाना होगा। क्या? ठीक है, मैं जरा नोट ठीक से पढ़ के देखती हूँ। तो क्या जैक यहाँ से जा सकता है? ठीक है, ले जाओ, लेकिन अगर हम क्वालिफायर में हारे तो प्रिंसिपल से कह देना हमसे शिकायत ना करें। हुर्रे! ठीक है, तुम लोग ध्यान से सुनो, अब प्लान चेंज हो चुका है। जंप के 7 स्क्वाट्स करने और आधे घंटे तक ऐसा करना है। चलो जल्दी करो लड़कों।
यार ये जैक की वजह से हुआ, शर्म की बात है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ईवा, तुम्हें पता नहीं है तुमने मुझे किस मुसीबत से बाहर निकाला है आज। खैर प्रिंसिपल को मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, उन्हें फुटबॉल से ज्यादा थिएटर पसंद है। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा और रिहर्सल्स में अपना 100% देकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। हाँ कोई चिंता नहीं है, मैंने ये सिर्फ इससे नहीं किया क्योंकि तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन ऐसा क्यों? तुमने बताया था तुम्हें फुटबॉल से नफरत है, इसलिए मैंने ऐसा किया था ताकि अब तुम्हें इससे जूझना ना पड़े। सच में? और ये सब मेरे लिए है? तुम सच में बेस्ट हो ईवा। लेकिन हे, तुम्हें रिहर्सल के बारे में कुछ करना होगा। वैसे नॉर्मल होने के लिए तुम्हें पेस में चेंज की जरूरत है। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मैं तुम्हें कमाल की जगह ले चलूंगी, ये स्टेज पर बने रहने से कहीं बेहतर है। हाँ चलो फिर करते हैं और क्या। यहाँ बैठो, क्या ये अच्छा नहीं है? वाओ ये तो बहुत बढ़िया है। ये मेरा सीक्रेट ठिकाना है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। वैसे भी तुम्हें अपने डिलीवरी पर काम करने की जरूरत है, ऐसे जब हम साथ हैं तब हम एक टीम हैं। देखो वैसे भी हम लोग अब एक फैमिली की तरह हो चुके हैं ना। वाओ बढ़िया है ना ये एक साथ होने के बारे में है। हम एक साथ मजबूत हैं, पता है भरोसा ही चाबी है एक मजबूत टीम की। हाँ सही कह रही है, और वैसे भी हमारी साथ में बहुत अच्छी जमेगी है ना। तो चलो चलो हम दोनों मिलकर अब कुछ टीम वर्क करते हैं। इस बॉल को पकड़ो। तुम्हारा मतलब क्या है? कैसे? ये एक्टिंग एक्सरसाइज है, मैं तुम्हें एक इनविजिबल बॉल फेंकूंगी और तुम्हें उसे पकड़ना होगा। हाँ ये लो। अच्छा ऐसे? बढ़िया, चलो जल्दी करें। बहुत बढ़िया बॉल है, इसे वापस फेंको। क्या मैंने पकड़ लिया? हाँ तुमने तो बॉल पास तक नहीं किया। ये बहुत मजेदार है। ये सच में एक टीम वर्क जैसा लगता है ना? शुक्रिया, आज तुम्हारे साथ बहुत मजा है। जैसी जो कॉकटेल तुमने ऑर्डर किए वो लाजवाब है, और ये सब जैक के पैसों की वजह से। अगली बार मैं एक डीजे हायर करूंगी। कैसी? ये पार्टी शानदार है, तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हें जैक के बिना देखना काफी अजीब लग रहा है। हाँ वो हमेशा साइड किक की तरह तुमसे चिपका रहता है। वो उस बेवकूफ ईवा के साथ रिहर्सल में है, हम यहाँ पे मजे ले रहे हैं और वो पिस रहा है। हाँ सही है, बेवकूफ ईवा के साथ रिहर्सल करना सजा ही तो है। बेचारा जैक ईवा की बेवकूफी को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। जो भी हो, जैक नहीं तो जैक जैसा पैसा। ऑर्डर करें। कैसी? तुम और तुम्हारा ASMR सबसे अच्छा है, मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। तुम ये गलत कर रही हो, ये ऐसे होता है। क्वीन से आगे निकलने की कोशिश मत करो। ओह मेरा ये इरादा नहीं था, मैं तुम्हारी फैन हूँ। खुश हो कि तुम मेरी कंपनी में हो। जैक के बिना और भी मजेदार है। तो इस बार एक्टर्स ने छीका और उसके भी ऑडियंस के बीच उड़ गई। उम्मीद करता हूँ कि रिहर्सल जितनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है पेट में गुड़गुड़ हो रही है थोड़ी सी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला? मेरे पास चिप्स स्नैक्स सब थे, मैं तुम्हें खिला देती। इसकी तो आदत हो गई है, वैसे भी जब मैं केसी के साथ था तब वो मुझे चॉकलेट ही चॉकलेट खिलाती थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो भूखे रहने की आदत लग गई। जो तुम्हें पसंद है वो खाओ। मेरी राय में टेस्टी सॉस और फ्राइज के साथ एक बड़ा बर्गर दुनिया का बेस्ट खाना है। ओ, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे बिल्कुल भी, बता रहा हूँ। तो हम एक कैफे में चलते हैं, वो दुनिया के सबसे बेस्ट बर्गर बनाते हैं। लो तुम यहाँ पर डबल XL बर्गर ऑर्डर कर सकते हो। मैं ये कह रही हूँ जैक, मेन्यू से वो चुनो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे भी मुझे एक डबल XL वाला बर्गर चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें चाहती थी। नहीं वैसे भी हमारी पसंद एक है तो ऑर्डर भी एक ही होना चाहिए। वेटर तो बताइए आपके लिए क्या लेकर आऊं। हाँ हम आपके दो सबसे बड़े और टेस्टी बर्गर खाएंगे।
और क्या आपके पास कोई डेजर्ट है जो मीठी नहीं है? हमारे कैफे में कमाल का डेजर्ट बनता है, वो आपको जरूर पसंद आएगा। जो भी हो बस उसमें चॉकलेट नहीं होनी चाहिए। वो तो पड़ा होगा किचन में। तो वो भी ले आओ। जैक सही है। तो मैं उसे लेकर आता हूँ। कितना मजा आएगा ये, पहली बार चॉकलेट से हट के कुछ खाने को मिलेगा। तुमने कहा था कि तुम्हें चॉकलेट बर्दाश्त नहीं है, बेशक मैंने इसका ऑर्डर नहीं दिया होता। वाह, तब तो और मजा आने वाला है। ये बर्गर तो बहुत ही टेस्टी है। लाजवाब खाना। अरे यार, सारे के सारे पैसे तो मैंने केसी को दे दिए। वो मैं एक बार थोड़ी देर में आता हूँ, फिर मैं बर्गर नहीं खा पाऊंगा। चिंता मत करो, मैं कर दूंगी। तुमने अपने सारे पैसे अपनी एक्स को दे दिए, तुम कितने निस्वार्थ हो। एक्चुअली ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है, आज से पहले किसी ने मेरा बिल नहीं भरा है ना इसलिए। खैर, जरूरी बात यह है कि हमने एक साथ कितनी मस्ती की। ठीक है, मैं पे कर दूंगी, हमें रिहर्सल के लिए पहले ही काफी देरी हो चुकी है। वेटर, चाहे कुछ भी हो हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। अगर कभी चीजें गलत भी हो जाए तो फिर हमेशा हमारे रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना होता ही है। आओ और हमारे परिवार में शामिल हो जाओ। क्रेजी घर में आपका स्वागत है। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ईवा तुमने जादू कर दिया और जैक तो स्टार बन गया है। कितने टैलेंटेड हो तुम। सच में कर दिया। कितनी कमाल की जोड़ी है ये। अब ये शो सीधा प्रीमियर होगा स्टेज पर। और जाने मन, बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे। मैंने तुम्हें 5 बार कॉल किया, सच में तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि रिहर्सल होंगी और मैं बिजी रहूंगा। ठीक है सुनो, मैं कल मॉल जा रही हूँ, पूल सेक्शन में जाके मैं कुछ साउंड्स रिकॉर्ड करूँगी, तुम मुझे वहाँ ले चलोगे। नहीं। उसके बाद हम स्टोर्स में जाके शॉपिंग करेंगे और उसके बाद चोको शेक पियेंगे। केसी, देखो कल मेरा प्ले है, मैं 1000 बार तुम्हें बता चुका हूँ। क्या, पर मुझे मॉल जाना है। तुमसे अच्छी तो ईवा है, कम से कम मुझे समझती तो है वो। नाटक के बाद तुम्हारा काम उस चिपकू ईवा के साथ खत्म हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। जरा मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें उस चिपकू ईवा के साथ रहने का मौका दे रही हूँ। तो फिर क्या तुम मुझे शेक और शॉपिंग के लिए पैसे दे दोगे जैक? ठीक है यार, लेकिन देखो मुझे इन सब चीजों से जरा दूर रखो। सुपर, मैं तुम्हारे शो में जरूर आऊंगी। तो मेरे प्यारे फॉलोअर्स, क्या तुमने पैसों का स्वीट साउंड सुना? मैं किसी भी हालत में ईवा को अब निराश नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी ईवा बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं अपने इस मौके को जाया नहीं जाने दूंगा। बकवास है यार, वैसे भी मुझे ईवा पसंद है, किसे परवाह है कि केसी एक पॉपुलर लड़की है। शायद ईवा ही मेरा क्रश है, और अगर ऐसा है तो मुझे शो के बाद ईवा को बताना होगा। अगर मैं उससे अभी नहीं बोल पाया तो कभी नहीं बोल पाऊंगा, बोलना ही होगा। मॉम आपने बुलाया, मैं जल्दी में हूँ थोड़ा। जैक, क्या चल रहा है मुझे बताओ, कोच ने मुझे कॉल किया और कहा कि तुमने फुटबॉल प्रैक्टिस छोड़ दी। वैसे प्रिंसिपल ने ही मुझे करने को कहा था। लेकिन फुटबॉल हमेशा से तुम्हारी फेवरेट चीज रही है, तुम 5 साल के थे तब से तुम खेल रहे हो। हाँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने मुझे बोला था ये करने को। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपने फैसले खुद लूंगा और आपको बता दूंगा कि मैं बाकी चीजें भी कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बचपन से तुम फुटबॉल के बारे में सोचते हो। और वैसे भी आज प्ले है, मैंने बताया था आपको, मैसेज भी किया था, आप काम में इतनी बिजी रहती हो आपने देखा तक नहीं होगा मेरा मैसेज। ओह अच्छा, वेल मुझे आज की छुट्टी मिल गई है तो चलो इन मैसेजेस को थोड़ा पढ़ लेती हूँ। अगर आज आप फ्री हो तो चलो प्ले देखना, मैं आज अपना 100% दूंगा और बता दूंगा कि मैं सिर्फ प्लेयर ही नहीं अच्छा एक्टर भी हूँ। ठीक है, चलूंगी मैं, लेकिन कह रही हूँ तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बाप रे, ये ईवा कहाँ चली गई, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, कम से कम ईवा साथ होगी तो शांत तो रहूंगा। मैं यही हूँ। ईवा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये गेटअप तुम पर बहुत सूट कर रहा है, आज तो तुमने मुझे एकदम चौंका दिया। क्या तुमने नहीं सोचा था कि मैं ऐसी हूँ, है ना? बस मैंने मैगजीन देखी और नाटक के लिए तैयार हो गई हूँ। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक हो। केसी से भी ज्यादा।
दुनिया में किसी से भी। ओ, नहीं ठीक है, बहुत हो गया। तुम्हारी तारीफों ने मुझे परेशान कर दिया है। चलो शो में धमाल मचाएं। हम जिंदगी में जो भी चाहे वो कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हम इसे एक साथ बढ़ाएंगे और जो मन करेगा वो सब करेंगे। आ जाओ और हमारे इस छोटे से आशियाने में एक घर बनाओ। अरे वाह, ये हुई ना बात। ओ बाप रे, जैक के पास तो सच में एक्टिंग स्किल्स काफी ज्यादा हैं। सीरियसली, कौन जानता था कि जैक ऐसा है। मानना पड़ेगा, ये लाइंस तो कमाल कंटेंट बनाएगी। लेकिन ईवा के साथ ये कुछ ज्यादा प्यारे बन रहे हैं। मुझे जलन हो रही है। शायद यहाँ पर आके मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। जैक स्टेज पर बुरा नहीं है। कुछ भी हो जाए, हम जिंदगी में साथ में आगे बढ़ेंगे। वहाँ प्यार ही मैजिक है। ईवा, आज स्टेज पर तुमने आग लगा दी। जैक, तुमने तो कमाल कर दिया। हम एक बहुत बढ़िया टीम है। जानती हो ईवा, मैं तुम्हारी टीम में रहने से ज्यादा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे फ्रेश होना है। ईवा, ओ भाई, तूने तो कमाल कर दिया यार। सच, मुझे कमाल था। तुमने कर दिखाया जैक, और उस बेवकूफ ने भी अच्छा किया। बिल्कुल, ईवा इस आइडिया को मान गई कि तुम्हें वो पसंद है। हाँ, बस नाटक में रहने के लिए उसे सहन कर रही है। उसके बारे में ऐसा मत बोलो, ईवा बहुत ही साफ दिल की है। खैर, उसे छोड़ो जल्दी से। मुझे शॉट्स और कैश के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जैक, मैंने सब कुछ सुना। तुमने दिखावा किया। ईवा, तुमने मुझे सिर्फ नाटक के लिए इस्तेमाल किया। उप्स, अजीब है। वेल, तुम्हें पता है ईवा, तुम एक अनपॉपुलर बेवकूफ हो, समझी। टाइलर, बकवास बंद करो। जैक मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे उसका लड़कियों के साथ घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने तुम्हारे साथ ये सब किया सिर्फ नाटक के लिए बस। क्या तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईवा, तुम्हारा रिएक्शन कमाल था। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। जैक, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ये सच में बहुत बुरा था। ईवा रुक जा। जैक और ईवा, जल्दी करो, दूसरा एक्ट शुरू होने वाला है और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्टेज पर चलना है, चलो जल्दी। जब हम साथ होते हैं, हम और हम एक टीम है। ईवा, कुछ भी हो हम साथ रहेंगे और जो भी करेंगे साथ में करेंगे। और कभी भी तुम किसी भी तकलीफ में हो तुम मुझे याद करो। जैक, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी लाइंस नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये स्क्रिप्ट में नहीं था। वो उसे ईवा क्यों कह रहा है? कैरेक्टर का नाम अलग नहीं है क्या? देखो ईवा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता है। जैक, नाटक बर्बाद मत करो, ये सही नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। बस तुम भी मान लो कि सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार नहीं करता, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। खुद से सच बोलो और दुनिया से भी। क्या? इसने तो एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लिया है। मेरा बेटा सब गड़बड़ कर रहा है। क्या बकवास है, ये दोनों अपनी लाइन भूल गए क्या? ईवा, समझने की कोशिश तो करो। मुझे तुम में वो सब दिखता है जो किसी और में नहीं दिखता। क्यों तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? तुम्हें लगता है कि भीड़ में माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? उसे माफ कर दो, ये बहुत रोमांटिक है। दबाव डालना बंद करो। ईवा, बेवकूफ कहीं के, मेरे होते हुए तुमने उससे अपने प्यार का इजहार किया? बस बहुत हो गया। भाई, तूने एक बेवकूफ को डेट करना शुरू कर दिया और फुटबॉल खेलना भी छोड़ दिया। अब तो कूल नहीं रहा यार। हाँ जैक, हमें अनपॉपुलर दोस्त की जरूरत नहीं। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम लोग जो चाहे कर लो, लेकिन ईवा की बराबरी नहीं कर सकते हो। तुमने स्कूल का नाटक बर्बाद कर दिया जैक, बिल्कुल बेवकूफ हो तुम। मैंने अपनी पूरी शाम तुम पर बर्बाद कर दी। हेलो, हाँ, मैं काम की बात करने के लिए तैयार हूँ। नहीं मॉम, रुकिए। जैक, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और तुमने हमारा शो बर्बाद कर दिया और तुमने ईवा की फीलिंग को भी हर्ट कर दिया। हाँ, और ये शो हमारी टैलेंटेड लड़की के साथ नहीं करना था तुम्हें। अरे तो दफा हो जाओ ना तुम सब। मुझे अपनी जिंदगी जीने का भी हक नहीं है क्या? सब तुम लोग डिसाइड करोगे तो मैं यहाँ क्यों हूँ? ठीक है, मैं जरा नोट ठीक से पढ़ के देखती हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हट जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? जब तक तुम गुस्सा हो, प्ले वले सब गया भाड़ में। तुम कितने स्वार्थी बेवकूफ हो।
तुमने मिस्टर नेट की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मुझे किसी की परवाह नहीं, जब तक तुम ये मान नहीं लेती कि तुम मुझसे प्यार करती हो मैं कहीं नहीं जाऊँ। और तुम मुझे सच बता सकते थे, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारी मदद नहीं करूँगी, ये जानते हुए भी कि तुम केसी के साथ हो और तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। देखो मैंने केसी के साथ ब्रेकअप कर लिया और अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। इससे ये बात नहीं बदल जाती कि तुम झूठे हो। और ऐसे दोस्तों से भी दोस्ती तोड़ ली जो बस तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बहुत बुरा, वो भीड़ तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, उनके साथ रहो। ईवा, मैं समझता हूँ मैंने तुमसे झूठ कहा और इसीलिए तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन समझने की कोशिश तो करो कि मैंने किन हालात में ये सब किया, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। क्या बात है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया और अब तुम प्यार की बात करते हो, मैं के सारे बर्गर भूल जाऊं? तुम जब तक मुझे माफ नहीं करती मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं। तुम बहुत चालाक हो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं। ठीक है जैक, प्लीज बस जाओ, जब मैं शांत हो जाऊं तब हम स्कूल में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चलो फिर स्कूल में मिलते हैं, ठीक है? क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है? ईवा, तुमने कहा था कि हम आज बात करेंगे। ठीक है जैक, बात करते हैं। ये लो, तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट बर्गर और वोकल क्लासेस का एक सर्टिफिकेट जो तुम्हें चाहिए था, है ना? क्लास? तुम्हें लगता है कि मुझे सिंगिंग सुधारने की जरूरत है? नहीं नहीं, मैं तो कुछ अच्छा करना चाहता था और साबित करना चाहता था कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मजाक नहीं कर रहा। क्या तुम्हें वो लाइन याद है, चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ में रहेंगे? हाँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा भरोसा किसी भी तरह से जीत लूंगा। मैं अब तुम पर यकीन नहीं कर सकती। वो हमने इतना अच्छा प्ले किया था, हम एक और प्ले साथ कर सकते हैं, हमें देखने के लिए लोग बहुत बेताब होंगे। ओह जैक, आप स्कूल के कार्यक्रम से बाहर हो, नेट और मैंने ये तय किया है कि तुम लायक नहीं हो। लेकिन वो मेरा मतलब था फुटबॉल पर वापस, जिसे तुम नफरत करते हो, अब तुम्हें प्रैक्टिस वापस करनी चाहिए। वो प्ले खत्म और दोबारा रिहर्सल करनी होगी। हाँ, फुटबॉल पर वापस, जिससे तुम नफरत करते हो, तुम्हारी छूट कैंसिल हो गई है, इसलिए तुम्हें अपनी प्रैक्टिस को वापस से दोबारा शुरू कर देना चाहिए। ईवा, तुम बहुत ही कठोर हो और तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद तुम दोबारा झूठ न बोलना सीख जाओ, और वैसे मेरा अब हो गया है। ईवा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि बर्गर के लिए शुक्रिया, रिहर्सल में मदद के लिए मुझे वैसे ये मिला है। ईवा, मुझसे फिर कभी बात मत करना। एक बार मेरी बात तो समझो। बाप रे, मामला उल्टा होता जा रहा है। हे दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो आखिर तक देखा है तो एक कमेंट छोड़े और हमें बताएं कि क्या आपने ये देखा, और साथ ही ये बताएं कि आप किस लुक से ज्यादा इम्प्रेस हैं, मेरा गीकी लुक या किटी का, ग्लैम वाला या फिर एरियल का। ऊप्सी, बिल्कुल कमाल है। बहुत सामयिक या फिर केसी और केसी का लुक, बस चिल्लाओ और हमें चिट चैट करने की जरूरत हो रही है। हाँ, वीडियो की बात करते हैं क्योंकि ये कुछ खास है। बिल्कुल के बारे में है, जैसे कैसे इस मूर्ख लड़की ने अपने क्रश के पास वापस जाने का फैसला किया। और लड़के, क्या इसने कमेंट छोड़े, लगता है कि मैंने कैसे कौन ध्यान दे रहा है। ठीक है, हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? शायद मैंने उन्हें गलती से श्राप दिया हो या बुरी नजर डाल दियो। ये तो स्वीट है, थोड़ा मोड़ यार, घर पर पड़े रहना बुरा था। ऐसा क्यों? बताओ, हमें अंदाजा हो गया। ये वीडियो खास क्यों है? क्योंकि हमारे शानदार एली ने ये आइडिया दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया एली, यही कहीं उसके हैंडल को शाउट आउट, और एडिटर्स, हाँ प्लीज इसे पॉप करो। हाँ प्लीज प्लीज। तो हमारी लड़की एली ने हमारे लिए एक धुन लिखी, अगर आपको नहीं पता तो आप जान गए, सबको पता है। और फाइनली हमें इसे अपनी वीडियो में यूज करना पड़ा, और आप ध्यान देंगे तो आप सुन पाएंगे कि हम इसे शुरुआत से गा रहे हैं। लेकिन लेकिन इसमें हाँ, तो बताओ कौन था वो, फिर कौन curious था? असल में वो कौन है? था, इसका आपको पता लगाना है, तो दोस्तों कमेंट में लिखिए, आप गैस करिए, तो बताइए क्या वो पक्का हो चुका है ना? कौन हो सकता है? हमें राज खोलना चाहिए। चलो बताएं, लेकिन पहले उन्हें कमेंट्स में लिखने दो। गैस करें, गैस करें। 3, 2, 1 किटी। रुको, अब ऐसा है, ऐसा क्यों,
ऐसा कैसे हुआ? सीरियसली क्या बात है? कैसे हुआ? तो सच ये है कि बहुत समय पहले मैंने इसके लिए म्यूजिक लिखा था और इस ट्रैक को हमने फिर रिकॉर्ड भी किया था मिलकर, लेकिन अफसोस है कि फिर मैं बीमार हो गई थी मैं काफी ज्यादा। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले एक वीक से मैं वीडियो से भी परफॉर्मेंस क्योंकि मैं घर पे बीमार था। हां वैसे हम सभी को झटका लगा, लेकिन हे घर पर बड़े सेंशन ले आ चुके हैं और सब अच्छा है। और हे आप लोगों को वो वीडियो याद है, वो सॉफ्ट और ऑल्ट गर्ल के अंदर वाला जिसमें मैंने म्यूजिक बजाया था और सब कह रहे थे कि हे किटी की आवाज को क्या हो गया है, लेकिन मेरी आवाज वो थी नहीं और वो कभी भी मेरी आवाज थी ही नहीं, तो अभी नहीं है तो आपसे मेरी ओर से कोई गाना नहीं होगा। तो हाँ, वैसे पहले मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने जब वीडियो देखा तो मैंने भी इस पर ध्यान दिया। हाँ, लेकिन सीरियसली किटी को प्रमुख देने की असली वजह, हाँ ये कमाल था। और अब एरियल और नेट वापस आ गए हैं, सभी एक्टर्स वापस आ गए हैं और आप हमें बिल्कुल नए वीडियो में देखेंगे। तो बताओ किसने हमें याद किया, कितना याद किया, क्योंकि यार मैंने तो तुम्हें पागलों की तरह और मैं आपको बता दूं कि बीमार होना और फिल्म करने की कोशिश कोई मजाक नहीं था, लेकिन कम से कम मैंने बेचारी किटी की तरह अपनी आवाज नहीं खोई। मेरा मतलब कि तुम बिना आवाज की एक्टिंग कैसे कर पाई, तुम्हारी लगभग गायब हो गई और मेरी भी नहीं थी, पता है। अरे दोस्तों गैस करो और क्या हो सकता है, एली ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला है जहाँ पर वो गाना गा रही है। मैंने उसका गाना सुना, सच में अच्छा है दोस्तों। उसने किसी कारण से हटा दिया है उस वीडियो को, बहुत बड़ी गलती है यार। प्लीज वीडियो वापस लाओ क्योंकि हमें इसे देखने का मौका नहीं मिला। नेट का वादा है लेकिन उसने शेयर नहीं किया। मैं वो वीडियो भेजने ही वाला था, बस दबाने ही वाला था, वो वीडियो गायब हो गया। मजाक नहीं, मैंने इस वीडियो को लाखों बार देखा और बार बार देखता रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है हम इसे वापस लाएंगे। तो कम ऑन इसे वापस लाएं, हम इसे देखने के लिए मर रहे हैं। हम बिल्कुल लाइक करेंगे और हम इसमें कमेंट्स भी करेंगे। बिल्कुल सच में मुझे देखने की बहुत इच्छा हो रही है। और मुझे पता है कि किसी और के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ होगा। मैं बस सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि वीडियो पर कमेंट करें, क्योंकि वो हमारे लिए विटामिन्स का काम करते हैं और आप जानते हैं A C E और B। सब्सक्राइब बटन दबाने मत भूलना, ये सच में हमारी मदद करता है और आपके लाइक्स हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं। और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए, चाहे वो कोई भी हमारे व्लॉग्स हो या फिर वो हमारे टिकटॉक या फिर स्टोरेज हो। और अब हम कहां जा रहे हैं? और हम चले चले अब मैं ओ कम ऑन बेवकूफ, मुझे तुम्हारे जूते पहनने में जरा भी पसीना नहीं आएगा। अरे अरे इतनी चॉकलेट खाई है क्या? और कुछ खाना ही नहीं चाहता बस, वो तो तुम्हें। हमें कभी भी किसी भी हालात में हार नहीं माननी चाहिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। लेकिन तभी किस्मत पलटी। अरे मेरा भाई सिर्फ नाटक के लिए उसके साथ रह रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन डायलॉग गलत हो गया। हाँ लगता है तुम फुटबॉल प्रैक्टिस में वापस जाओगे। ये सच में परेशान करता है। कोला पीना बंद करो जैक।